వారణాసితో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా ఎమోషనల్ వీడియో విడుదల చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. వారణాసితో తనకున్న అనుబంధం విడదీయలేనిదని అభివర్ణించారు. तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया है. मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है. 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी. एक माँ बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ. जनप्रतिनिधि वाला नहीं है ये रिश्ता, किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं. कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन. विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन. माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन. काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा. 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनेला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारस ही बना. अरों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते. स्वच्छ निर्मल अविरल गंगा भारत वर्ष की ऊर्जा है. काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है. आज काशी बिना रुके बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है. बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं. मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के हमारे कर्तव्य का अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, असंभव कुछ भी नहीं. काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है. मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है. काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना ही भावुक होता हूँ. जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी. हर महादेव. तो सब मोदी को चुन. मैं काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया. मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है. 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया. काशी नगरम पै तनकुन्न प्रेम गंगा नदी तो एर्पड़िन बंधमन्नारु. इप्पुडु ई प्रांतं तनदन्नारु. ఒక తల్లి కుమారుడికి ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని ఫీల్ అవుతున్నానన్నారు. అయితే ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉండాలన్నారు.